और हम लोग कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात करेंगे। अच्छा काम हुआ है उसके सपोर्ट में है, बुरा काम हुआ है उसके विरोध में है। जिस हिसाब से अच्छे काम हुए पिछले 5 वर्षों में, तो मुझे लगता है कि फिर से जो है केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस बार जयराम सरकार फिर से रिपीट होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। हिमाचल प्रदेश छोड़े मैं पूरे नेशनल लेवल पे नितिन गडकरी जी को सैल्यूट करता हूँ। ऐसा नेता जो हर बात पे आंकड़ों के साथ करेंगे और डेट विद डेट आपको सारी चीजें बताएंगी। पीएम हेल्पलाइन की तो सर मैं भी तारीफ करूंगा कि उस पर कंप्लेंट की थी और उसका सॉल्यूशन हुआ अभी बिजली को लेकर तुरंत, और बिजली ऑफिस से कंप्लेंट भी आई, ऐसा मत करो, हमारी नौकरी मत खाओ, इस चीज की मैं तारीफ करूंगा। तो मैं यूएसए कनाडा को देख रहा था कि मोडर्ना का आई थिंक 1600 कुछ का एक इंजेक्शन, और हमारे देश में न्यूक्लियर फैमिलीज तो है नहीं, हमारे यहाँ पे हम लोग 10-12, 7-8 लोग चाचा ताए मिलकर इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति को 3-3 इंजेक्शन की बात केंद्र सरकार कर रही है। आप मुझे बताइए अगर मेरी फैमिली में 10 लोग हैं फॉर एग्जांपल, तो 30 इंजेक्शन हो गए, 30 इंजेक्शन को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ मेरी एक फैमिली का बजट 45,000 रुपये बन रहा है, क्या वो केंद्र सरकार दे नहीं रही है? तो 2-2.5 साल का कार्यकाल को, अब ये गलत बात है कि 5 साल का कार्यकाल रहा, नहीं ये 2.5 साल का कार्यकाल रहा जयराम जी का। मैं अनूप ठाकुर है, मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ और मैं नेशन के मुद्दों, अभी जैसे बात आ रही थी कि राष्ट्र के मुद्दों पर, देखिए हर स्टेट से मिलकर हमारा राष्ट्र बना हुआ है, तो राष्ट्र के मुद्दों को ना हम अलग नहीं कर सकते। और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पर मैं कुछ बात करना चाहूंगा। जैसे भाई साहब ने अभी ना 107 हंगर इंडेक्स बोला, 2000 जिस संस्था ने ये हंगर इंडेक्स बनाया है, पिछले साल इन्होंने 107 रखा था, इस बार 110 रखा है। मूर्खता की बात यह है कि हमारा देश 1947 से अभी आगे की ओर बढ़ रहा है, इतने गरीब तो हम हैं नहीं कि हम 110 पे पहुंच जाए। चलो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा सकता है, चलो मान के चले अगर हम लोग 15-20 पे हों, 16-17 पे, तो 110 तो ये तो टोटली फेक रिपोर्ट है। अब मैं बात करना चाहूँगा राष्ट्र मुद्दों को। देखिए हम हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, तो कहीं जो अभी कांग्रेस के मित्र या कोई और बोल रहे थे कि भाई इसको तो बिल्कुल राष्ट्र मुद्दों की तो यहाँ डिस्कशन होगी नहीं, ठीक है। धारा 370 के ऊपर बात करना चाहूँगा, मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ से धारा 370 हटाई गई है, ठीक है, और मैं हाँ जम्मू कश्मीर से, और मैं ओपनली सपोर्ट करता हूँ केंद्र। आई एम नॉट द यू नो सपोर्टर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, आई एम द सपोर्टर ऑफ दैट पर्सन हु टॉक्स अबाउट द नेशन बिल्डिंग, और राष्ट्र को सर्वप्रथम लाने की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और उन्होंने 370 जो एक तरह का फेक नैरेटिव चलाया गया था कि आप कहीं भी संविधान में ये स्पेशल स्टेटस नहीं लिखा, सबका सब बकवास था, और हम लोगों पर, फॉर मी एज ए रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर नाउ इट्स यूनियन टेरिटरी, ये बहुत बड़ा अभिशाप था। अब ये खत्म हुआ और हम लोग जो है चैन की सांस ले रहे हैं, और कांग्रेस सरकार को तो इस चीज के बारे में डिस्कस करना चाहिए कि आप लोग जो है ओपनली तो बोल नहीं रहे हैं, आप लोगों के पास हिम्मत है तो बोलिए कि हम जो है वो धारा 370 हटने का विरोध करते हैं। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि अभी आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे थे सब लोग, देखिए जब 1835 में जो है वो शिक्षा नीति का एक तरफ से चेंज होना शुरू हुआ हमारे देश में, एक समय ऐसा था जब तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में 200 से 300 जितने भी बाहर के कंट्रीज के लोग हैं यहाँ पे आकर जो है वो शिक्षा ग्रहण करते थे, ठीक है। और अभी इस टाइम पर देखिए कि हमारे गांव से या हमारे किसी जिले से कोई बंदा जो है वो बाहर चले जाएगा अमेरिका में, तो उसका एक अलग तरह की एक वजह रही है, तो फॉरेन पढ़ने की है, ठीक है। अब बात आती है कि नया शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें अभी जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों पर जो है वो कुछ 3-4% तो टोटल हमारे पास सरकारी नौकरियां हैं, रोजगार तो चाहिए ही चाहिए। तो नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार ने लाई, इसका प्रभाव हिमाचल पर पड़ेगा और हर क्षेत्र पर पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है वो बात करती है आप रोजगार जो है हर समाज के अलग जगहों से, जैसे आप क्राफ्टिंग में, हैंडीक्राफ्ट में आप बात कीजिए, अभी जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास निगम के तहत काम हो रहे हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं गांव में अलग प्रकार के जो है वो छोटी छोटी चीज़ें मिलके जो है वो रोजगार मिलता है, तो उस कुल के माध्यम से हम लोग जो है उसमें रोजगार में जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है। और दूसरा अभी मैं बात बताना चाहूँगा कि कुछ वादे अभी जो वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने किए हैं, क्योंकि हम कैलकुलेटिव बात करेंगे, पीपल आर स्टूडेंट टॉक्स अबाउट द यू नो फैक्टर्स। फैक्टर ये है कि हिमाचल प्रदेश में राइट नाउ 65,860 करोड़ का डेबिट लोन है, 65,860 ऑलमोस्ट इतना फिगर है। कांग्रेस सरकार ने बात की कि हम लोग जो है वो पहले ही कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम जो उन्होंने खुद लाई थी नई पेंशन स्कीम उसमें बात करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, 2003 के बाद जितनी भी रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है वो हुई है नई शिक्षा नीति है, नई न्यू एजुकेशन नेशनल पेंशन स्कीम, असली नाम इसका NPS है, जिसको न्यू पेंशन स्कीम नाम से जाना जाता है। इस टाइम पर जो उससे पहले के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी संख्या 10-15% होगी, और मैं कल बजट देख रहा था, रीड कर रहा था, तो 10,600 करोड़ का बजट उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पेंशन देने में लगता है जो 2003 से पहले। अब मान के चले जो बाकी के 80-70% जो एम्प्लॉयज है, अगर उनको आप लोग नई OPS में लाते हैं तो किस मूर्खता की बात करते हैं आप लोग, उनको पैसा कहाँ से लाएंगे? दूसरी बात, 1500 रुपये जो है वो
महीने की इन लोगों ने फ्रीबीज की बात करी, ठीक है। देखो फ्रीबीज का मैं विरोध करूंगा, चाहे महिलाओं के लिए, चाहे वो कांग्रेस बोले चाहे बीजेपी, फ्रीबीज का विरोध, क्योंकि फ्री हमने मैंने बोला था कि जब भी पीछे बुक्स आपने हम लोग बुक्स में पढ़ते हुए लिखा था कि जहां पर भी हम लोगों को कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए तो हम लोग जो है ना वो जज्बात ही नहीं रहते, फिर हम लोग आराम करना शुरू करते, जब आराम करना शुरू करें तो राष्ट्र का क्या होगा, ठीक है। आप लोगों को काम के बदले अगर पैसा मिल रहा है उसमें बढ़ाने की बात है, 1500 रुपये की मूर्खता की बात है, आप भी मैं चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप हर महीने दे कैसे दे सकते, चलिए आप साल में एक बार दे दीजिए, 1500 को आप मल्टीप्लाई करिए, हिमाचल प्रदेश में 35 लाख करके के फीमेल्स हैं, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे हिसाब से महीने का 61 करोड़ बनता है, 720 करोड़ रुपये साल का, और 5 साल का 3500 करोड़ रुपये, ये तो एक तरह का बजट हो गया, ठीक है। हाउ इट कैन मैनेज, इस बात तो मेरा इसमें है। और दूसरा ये कि भाई साहब निराश लग रहे थे कि अभी जो है सब चीज़ें वो भी अच्छा नहीं हो पा रहा, देखिए सरकार जो होती है उसका विरोध होता है क्योंकि काम उनको 5 साल का हिसाब देना है, और हम लोग कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की बात करेंगे, अच्छा काम हुआ है उसके सपोर्ट में है, बुरा काम हुआ है उसके विरोध में है, लेकिन दिमाग में इतना तो रखना ही है ना कि देश आगे बढ़ रहा है और रियल में बढ़ रहा है, केंद्र की सरकार अच्छा काम कर रही है और हम उसको सपोर्ट करना चाहिए। जी क्या लग रहा है आपको कि इस बार हिमाचल प्रदेश में मोदी सरकार बोले बीजेपी सरकार बोले दोबारा दोहरा पाएगी? देखिए मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से अच्छे काम हुए पिछले 5 वर्षों में, तो मुझे लगता है कि फिर से जो है केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस बार जयराम सरकार फिर से रिपीट होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे भाई साहब, कांग्रेस सरकार की बात करें तो कांग्रेस ने वादा किया है कि उनकी सरकार आने के बाद 680 करोड़ रुपए का रोजगार के लिए दिया जाएगा युवाओं के लिए। वो जो है 680 करोड़ रुपए उन्होंने बोला कि एक प्रकार का स्टार्टअप फंड है, ठीक है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए आइए बीजेपी की रोजगार की बात करते हैं, 2017 में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार आई और आप मानिए कि उसके 1.5 साल के बाद कोविड जो है वो प्रभावी हो गया। मैं कल शाम को ही इंटरनेट पर चेक कर रहा था कि दूसरी कंट्रीज में कोविड के टीके का क्या चला हुआ है, तो मैं यूएसए कनाडा को देख रहा था कि मॉडर्ना का 1600 कुछ का एक इंजेक्शन, और हमारे देश में न्यूक्लियर फैमिलीज तो है नहीं, हमारे यहाँ पे हम लोग 10-12, 7-8 लोग चाचा ताए मिलकर इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति को 3-3 इंजेक्शन की बात केंद्र सरकार कर रही है, आप मुझे बताइए अगर मेरी फैमिली में 10 लोग हैं फॉर एग्जांपल, तो 30 इंजेक्शन हो गए, 30 इंजेक्शन को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ मेरी एक फैमिली का बजट 45,000 रुपये बन रहा है, क्या वो केंद्र सरकार दे नहीं रही है? अगर केंद्र सरकार चाहती तो बोलती कि हम लोग आपको फ्री का नहीं देंगे, जान बचाने के लिए तो हम लोग कुछ भी करते, लोन उठा करके 45,000 रुपये खर्चते, ठीक है। तो 2-2.5 साल का कार्यकाल को, अब ये गलत बात है कि 5 साल का कार्यकाल रहा, नहीं ये 2.5 साल का कार्यकाल रहा जयराम जी का, क्योंकि 2.5 साल कोविड टाइम में, और मैं देख रहा था कि किस प्रकार से मैनेजमेंट हुई, किसी भी एक व्यक्ति का पैसा जो है वो चाहे वो सैलरी है चाहे कुछ है वो हर व्यक्ति तक पहुंचा हुआ है, और ये इतना बड़ा जो अग्नि परीक्षा थी इसमें केंद्र सरकार जो है वो पास हुई है, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी कभी इस प्रकार का कोई भगवान ना करे कुछ हो, और मुझे लगा कि सक्षम है केंद्र और राज्य सरकार। नितिन गडकरी ने दावा किया है कि 2014 से पहले हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 3 नेशनल हाईवे थे, और 2014 के बाद जब से बीजेपी सरकार आई है तब उसके बाद से 68 नेशनल हाईवे बन गए हैं। देखिए सच्चाई इस काम में तो हिमाचल प्रदेश छोड़े, मैं पूरे नेशनल लेवल पे नितिन गडकरी जी को सैल्यूट करता हूँ, ऐसा नेता जो हर बात पे आंकड़ों के साथ करेंगे और डेट विद डेट आपको सारी चीज़ें बताएंगी। बिल्कुल 3 नेशनल हाईवे, और एक बात और बताना चाहूँगा कि ये वो नेशनल हाईवे है जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी वीरभद्र सरकार जी के टाइम में कि जहाँ पर भी ये जो शराब के ठेके हैं नेशनल हाईवेज में है उनको 100 मीटर से बाहर रखना, इस प्रकार का कोई ऑर्डर आया था। तो वीरभद्र सिंह माननीय जो अब स्वर्गीय इस दुनिया में नहीं रहे, मैं उनका आदर करता हूँ, उन्होंने एक ऐसा यहाँ पे बिल पास किया कि नेशनल हाईवेज का स्टेटस को स्टेट हाईवे बना दिया, किस लिए, ताकि शराब बिके, ठीक है, ये रियलिटी है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ठीक है। नंबर 2, यहाँ पर जो नितिन गडकरी जी ने बताया, नितिन गडकरी जी की बहुत एग्जाम्पलरी स्टेटस है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर 4-वे का काम, और चाहे वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुआ है, चाहे वो NHI के थ्रे हुआ है वो, और आप मैं अटल टनल की बात करना चाहूँगा, एक जिला है हिमाचल प्रदेश में जिसको लाहौल स्पीति बोला जाता है, जो लेह लद्दाख के साथ भी कनेक्ट होता है, वो 6 महीने बंद रहता था, किसी एक प्रेग्नेंट महिला को अगर वहाँ से शिफ्ट करना होगा हॉस्पिटल में तो स्पेशल हेलीकॉप्टर भेजना पड़ता था, और कहीं सिचुएशन में तो डेथ भी हो जाती थी, ठीक है। 2003 के समय कांग्रेस क्लेम करती है कि हम लोगों ने जो है वो अटल टनल शुरू किया। आप मुझे एक बात बताइए, बीजेपी सरकार के आने के 3 या 3.5 साल के अंदर वो टनल कंप्लीट हो गया, क्या 3 में भी कांग्रेस की सरकार थी और 14 तक कांग्रेस की सरकार थी? ये किस मुंह से बता रहे हैं कि हम लोग उन्हें जो अटल टनल का श्रेय लेने की बात कर रहे हैं? इस टाइम पर अटल टनल में आपको सिर्फ और सिर्फ रोड की कनेक्टिविटी नहीं जुड़ी है, अब आप लोग आंकड़ों के माध्यम से देख लीजिए कि कितना ज्यादा जो है वहां पे टूरिस्ट आता है, और टूरिस्ट आकर के कंट्रीब्यूशन करता है, और हिमाचल प्रदेश की जो टूरिज्म को है वो बढ़ाता है। बढ़ाता है बिल्कुल। सर आपके पास आ रहा हूं, बोलिए भाई साहब, जवाब दीजिए सर।
मैं तो सर इनके समर्थन में, सरकार अगर विकास कर रही है, अटल टनल है वो हमारे लिए विकास का ही एक वो है सर। मैं पर चाह रहा हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। अगर आप डेवलपमेंट ऐसी कि सोलन शिमला हाईवे बना दें, यहाँ नीचे जाम लगता है सर हर दिन, यहाँ सर बसों में मार को एक जैसे जानवरों को रखते हैं ना सर बसों में, वैसे यहाँ पे बस की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है वो भी कुछ नहीं। मैं तो चाहता हूँ सर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो पूरी तरह से इस चीज़ की, ट्रांसपोर्ट की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। ये सर प्राइवेट वाले हमार को सर सुअर रखते हैं ना जैसे, वैसे रखा जाता है सर लोगों को। एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो शिमला वासी हो सर, इसको समस्या तो पूरे देश भर में हर जगह समस्या, सर उस पर या तो पॉपुलेशन मिला दिया जाए या फिर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो इसकी, कम से कम उसमें कुछ तो मिलेगा। कोई किसी के साथ अगर अनहोनी हो जाए, भगवान करे ना हो, पर हो जाए तो उनको कुछ तो मिलेगा, प्राइवेट वाले क्या देंगे सर। और दूसरा सर ये प्रोपोगेंडा कैसे हो सकता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स? सर आप दिल्ली में देखिए, हमारे यहाँ पे एक रेड लाइट जलती है ना सर, तो वहाँ कर्तव्य होते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे कर्तव्य करते हैं कि कोई 2 रुपए दे दे आलू, एक आलू और उसके लिए ना सर मैंने यूपी बिहार में देखा लड़ाई कर देते हैं, ब्लेड मारने को तैयार हो जाते हैं एक दूसरे को। ये स्थिति, इस स्थिति को कैसे नकारे आप? दिल्ली लुटेंस दिल्ली तो आपने देखा होगा, और उसके बाहर जो हमारा दिल्ली सर जो हमने क्या बोलते हैं कि हमने बनाया, जो वो राष्ट्रवाद नहीं है क्या हमारा? कूड़ा हम कहीं फेंक देते हैं वो हमारा राष्ट्रवाद नहीं है किया? तो सर वो दिल्ली क्यों नहीं दिखता जब दिल्ली से हम बाहर आ रहे होते हैं ना पहाड़गंज के थ्रू? वो दिल्ली की हालत क्या है? वहाँ तिरंगे तो लगाए हुए हैं सर, पर उनकी कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में लोग रह रहे हैं? रोशनी नहीं आती है वहाँ पर सर। एक यहाँ शिमला में भी सांगटी में सर हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, पहले सर हॉस्टल में रह लेते 2-3 एडजस्ट करके, अब सर वहाँ पे हम रह नहीं सकते। वहाँ मोदी जी ने बताया है कि पिछले 5 सालों में यहाँ पे लोगों को 15,000 घर मिला है यहाँ पे गरीबों को, क्या मानते हैं ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है? ये तो सर हुए हैं काम, हम इसका विरोध नहीं करते सरकारी काम का। हिम केयर जो योजना है, अटल टनल, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये काम हो रहा है। पर मैं चाह रहा हूँ सर कि अगर आप एनवायरमेंट कोई नहीं रखेंगे यहाँ पे, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, आप इन्वेस्टर मीट करते हैं, फुल प्राइवेटाइजेशन थी सर उसमें। सर हमारे को जोर देना चाहिए कि सरकारी व्यवस्था, मैं बोल रही कि सरकारी स्कूल से भी अच्छे बच्चे निकलते हैं सर, जो ब्रिलियंट हो तो निकल ही रहा है। सरकारी स्कूल में सर SC वर्मानी पढ़ाई जा रही है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, AI EEE JEE मेंस एडवांस हमारे बच्चे फाइट कर ही नहीं पाते। आप आंकड़ा निकाल लो सर, कोटा जाना पड़ता है क्यों? नहीं देखिए, मैं आपको बताऊँ ना, देखो मुद्दे तो होते हैं, चाहे आप 100% किसी को खुश नहीं रख सकते, विरोध करना तो चलो ठीक है, और उसी मुद्दों को लेकर के तो सरकारें आती जाती हैं, ठीक है। अब जैसे भाई साहब ने बात की यहाँ पे जाम की, ट्रैफिक जाम की, ठीक है, देखिए चाहे सरकार किसी की भी हो, हम लोगों को कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन निकालना चाहिए। शिमला जैसे शहर के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत इस समय पे पार्किंग की है और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम की है, ठीक है। सरकार को चाहिए सर, सरकार अगर आएगी उसको ये चाहिए कि आप लोग जो है वो केंद्र के ऑफिसेज लगभग जहाँ पे ट्रेन है, हिमाचल प्रदेश में तो सिर्फ टॉय ट्रेन चलती है ना, लास्ट स्टेशन ऊना तक है, आप ऊना जैसे एरिया में सेंट्रल ऑफिस शिफ्ट करिए, ताकि केंद्र के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कम से कम वहाँ आकर के उनकी एक्सेसिबिलिटी भी रहेगी और वो वहाँ पर काम भी कर सकते। जैसे भी मान के चलिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट है, अपने उसके बाद डायरेक्टर एजुकेशन है, इन ऑफिसेज को सेग्रीगेट करने की आवश्यकता, आप थोड़ा दूर दूर भी रख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब बात आती है ना कि सॉल्यूशंस की, मैं एक एज ए सिटीजन ऑफ माय कंट्री, मैं मुद्दों के साथ साथ में उसका समाधान भी बताऊंगा। मेरी समस्या है तो मैं अगर एक जागरूक सिटीजन तो मैं बताऊंगा कि इसका समस्या का समाधान भी यही है, और उसका समस्या का साथ समाधान हमें सरकार तक पहुंचाना चाहिए और सरकार के द्वार हमेशा खुले हैं। अभी आपको बताया केंद्र में जो है वो ग्रीवियंस करके PMGRMS करके एक है, उसमें आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं कि देखिए यहाँ समस्या, उसके ऊपर पूरा नोटिस है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जयराम सरकार जी ने CM हेल्पलाइन शुरू करी है, उसके अंदर जो है हम लोग अपना सॉल्यूशन दे सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। मुद्दे तो हैं, मुद्दों को लेकर के तो डिस्कस की जा सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए, बात जहाँ पर सपोर्ट करने की आई वहाँ सपोर्ट करना चाहिए उसको लेकर के। हिमाचल प्रदेश में BJP दावा कर रही है सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है सरकार बन रही है, और कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि सरकार उनकी बन रही है यहाँ पे, लेकिन राहुल गांधी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में आए नहीं एक भी दिन। देखिए राहुल गांधी जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे सरकार गिर जाती है कांग्रेस की, एग्जाम्पल है आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस वाले तभी इनको यहाँ नहीं बुला रहे हैं ताकि ऐसा है कि भाई यहाँ भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है। गुजरात भी इसलिए नहीं गए, देखो तभी वो गुजरात भी इसलिए नहीं गए, और अभी जो कांग्रेस डिफेंड कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत तो जुड़ चुका है, वो 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जोड़ के उस भारत इन्होंने जोड़ के बनाया, इतने सब मिला करके तो बनाया, अब कौन सा भारत जोड़ने की बात कर रहे हो राहुल गांधी जी को? राहुल गांधी को बिजी रखने के लिए ये किया गया? नहीं, अभी देखिए राहुल गांधी जी को बिजी रखने का तो इन लोगों की तो औकात नहीं है। राहुल गांधी
बिजी रखते हैं। ठीक है, ये तो राहुल गांधी को नहीं रख सकते कि राहुल गांधी को इनको बिजी रखेंगे, क्योंकि देखिए अभी तक वर्तमान अभी ये जो ढोंग रचाया हुआ है कांग्रेस सरकार ने कि अपने खड़गे जी को अध्यक्ष बना दिया, ये सिर्फ और सिर्फ एक राहुल ये अपने मनमोहन सिंह जी की तरह सीएम है, जैसे पीएम है वैसे करके ये अध्यक्ष है, सारी गाड़ी तो गांधी फैमिली से ही चलेगी, वहीं से ये लोग उनको बिजी नहीं कर सकते, वो लोग इनको बिजी कर रहे हैं। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली मॉडल लेके आए हैं हिमाचल प्रदेश में, क्या लग रहा है क्या कर पाएंगे? जिनके चेले अरविंद केजरीवाल जी मशहूर है उनका नाम अन्ना हजारे जी है, उन्होंने गारंटी दे दी कि ये बंदा कुछ नहीं कर सकता। नंबर वन, देखिए भाजपा विचारधारा की पार्टी है, कांग्रेस भी जो है कुछ न कुछ मुद्दों पे बात करती है, हर कोई पार्टी एक मुद्दों पे बात करती है। इनको पॉलिटिक्स में ना अरविंद केजरीवाल जी को गिरगिट बोला जाता है, गिरगिट मीन चैमिलोन हु चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड टाइम। आप बात करिए जब दिल्ली की बात ही, दिल्ली में उन्होंने अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया, गुजरात अपने पंजाब में आए तो पंजाब में जो है वो अपने हिसाब से लाया। एक पार्टी का एक अपना मैनिफेस्टो होता है कि हम किस तरफ हैं, वो तो ये है कि सिचुएशनल व्यक्ति है कि इस तरफ ठीक चल रहा है तो यहाँ चले जाओ, यहाँ भारत माता की जय बोलना है तो बोलो, यहाँ इसका विरोध करना है तो बोलो। मतलब क्या है कि एक व्यक्ति के इमोशंस के साथ खेलने वाली बात है। अभी जैसे उनको लगा कि अभी गुजरात में हैं तो उन्होंने एकदम से जो है वो रुपए पर लक्ष्मी वाली बात कर ली। ठीक है, तो एक तरह का इतनी मूर्ख नहीं है वो, 20 30 साल 40 साल पहले होता होगा, हमारा लिटरेसी रेट बहुत आगे जा चुका है, हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कौन मूर्ख बना रहा है हम उसको अच्छे तरीके से पहचानते हैं। फ्री के दावे पर हिमाचल प्रदेश की जनता लुभाने वाली? नहीं नहीं, वो फ्री के दावे पर नहीं लुभाना चाहिए, और ना ही मैं इस चीज़ का सपोर्ट करता हूँ। मैं दिल्ली गया था, केजरीवाल जी का एग्जाम्पल देता हूँ, DTC की बसें चलती हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, तो मेरे साथ में एक महिला बैठी हुई थी माता जी, तो जब वो किराए लेने के लिए आए कंडक्टर तो मेरे से उन्होंने 7 रुपये तो ले लिए, माता जी ने 10 रुपये निकाले, उनको नहीं पता था कि यहाँ फ्री का है। उन्होंने बोला कि भाई मैं तो क्यों जाऊँ फ्री की, भाई मैं सक्षम हूँ पैसे देने के लिए मैं, तो कंडक्टर ने हाथ जोड़ दिया, मेरी नौकरी क्यों खा रहे हैं आप, 10 रुपये मुझे मत दीजिए अपने पास, मैं तो नहीं लेने वाला। आप जिस व्यक्ति को आवश्यकता है, हम बोलते हैं 3,000 के आप 10,000 भी दीजिए अगर आपके पास सक्षम है, आप एक बार कम से कम सेग्रीगेशन तो कर लीजिए कि किस व्यक्ति को आवश्यकता है। यहाँ पे महिलाओं के मुफ्त तक 1500 रुपये, मेरी यूनिवर्सिटी की आप बात कर लीजिए, कम से कम 50 से 60 70 एम्प्लॉयज तो फीमेल्स हैं, उनको क्या करना है 1500 रुपये का, जिनको चाहिए उनको 3,000 दो ना आप 1500 के बाद, लेकिन जिनको आवश्यकता ही नहीं है आप मूर्ख क्यों बना रहे हैं, पहले से ये चीज़ बता दीजिए।